वनस्पति विज्ञान इस बार मैं कोई भूल नहीं करूंगा चिमना, हर हाल में फूल की रक्षा करूंगा। मैं वनस्पति विज्ञान को पूरा याद कर लूंगा। कलियां नष्ट हो गई। यहाँ रात को कौन आया होगा?
कोई उल्लू ही होगा। दिन के पक्षी तो आपने उड़ा दिए, अब रात के पक्षियों को कौन उड़ाएगा? बीजों का भट्ट रात के पंछियों को उड़ाएगा। ये बीजों का भट्ट कौन है? फुटबट बन गए, शायद तेज हवा से गिर गए होंगे। कीड़े लग गए हैं पूरे खेत पे। बाजी, पेट में पीड़ा और फसल में कीड़ा किसी को रोकने पे नहीं रुकते। गुजारिश ए अहवाल ये है कि यहाँ पंजाब में सिखों ने बड़ी ज़बरदस्त बगावत फैला रखी है। उनकी तादाद और ताकत दोनों में रोज़ इजाफा होता जा रहा है। अगर यहाँ और फौजें न भेजी गई तो। हुजूर, हमारी राह के दो कांटे, एक मराठी और दूसरे वो सिख, एक को निकालते हैं तो दूसरा चुप जाता है और दूसरे को निकाल के फेंकते हैं तो पहला गड़ने लगता है। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, अगर मालिक खुद अपने हाथों से अपने ही बागान के फूलों को तोड़कर फेंक दे तो कांटे तो चुभेंगे ही। ये हिंदुस्तान है, यहां लोगों को जीता तो जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। शहंशाह अकबर ने लोगों को मोहब्बत से जीता था और आप अपनी ताकत दिखाकर उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, कामयाब कोशिश की है हमने। हमने इस मुल्क के लोगों को न सिर्फ हराया है, उनके गुरूर को मिट्टी में मिलाकर जमींदोज किया है। मिट्टी में मिलकर ही बीज दरख्त बनता है बादशाह सलामत। आप सोच रहे थे आप मराठियों के और सिखों के गुरूर को मिट्टी में मिला रहे थे? गलत। उस वक्त आप खुद अपने हाथों से मिट्टी में अपनी बगावत बो रहे थे। जीनत,
अगर आप हमारी सबसे अजीज औलाद नहीं होती तो इस वक्त हमारे हाथ में तलवार होती और हमारे चेहरे पर इससे भी ज्यादा सुर्ख लाल रंग होता। वैसे आपा, ये सियासी मसले हैं, इसमें औरतों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पर आपको शायद मालूम नहीं है, हुकूमत वहमो फिरस्त से होती है, जज्बात से नहीं। और हमारे भाई को शायद ये इल्म नहीं है कि दिलों पर हुकूमत जज्बात से होती है, जबरदस्ती से नहीं। पर बादशाह सलामत ही जानते हैं, इसीलिए शाहू जी को मनाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। खैर, बादशाह सलामत, शाहू जी ने आपके कहे मुताबिक मराठी सरदारों की लड़कियों से निकाह करने के लिए हाँ कहती। क्या खबर सुनाई है? सुभान अल्लाह, हम जानते थे कि हमारी कम से कम एक औलाद तो काबिल निकलेगी। बादशाह सलामत, हम भी गुदी पाड़वा के दिन शाहू जी को ऐसा तोहफा देंगे कि मराठी हमेशा याद रखेंगे। बादशाह सलामत, जनाब कमरुद्दीन साहब, हम उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहते। हुजूर, कमरुद्दीन साहब नहीं, उनके साहबजादे आपसे मिलना चाहते हैं।